पिछली बार आपने देखा कैसे 5 साल के बच्चे रुद्राक्षी कोरोना वायरस से बचती हुई अपने घर पहुंची, लेकिन कोरोना राक्षसों ने उसके घर को घेर लिया। अब प्रश्न उठता है कि क्या रुद्राक्षी अपने घर के बाहर आ पाएगी? यदि हाँ तो कैसे, कौन उसे बचाएगा? चलिए जानते हैं ऐसा भी होता है कि एपिसोड नंबर 2 में। मेरे दोस्तों को और उनके मम्मी पापा को कोरोना राक्षस ने कोरोना राक्षस बना दिया। अब मैं बाहर कैसे निकलूं? बाहर तो कोरोना भूत ही भूत है। मैं किसके साथ पढ़ने जाऊं? किसके साथ खेलूंगी? किसके साथ मस्ती करूंगी? बाहर तो भूत ही भूत है। रुद्राक्षी तुम क्यों रो रही हो? चुप हो जाओ। कौन है? मेरे सामने आओ। तुम कौन हो? तुम यहाँ कैसे और कहाँ से आई हो? मैं हूँ बिट्टू परी। मैं इस चिराग में रहती हूँ। मेरे दादू यानी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तुम्हें यहाँ चुप कराने के लिए भेजा है। चुप हो जाओ, रो मत। अब बताओ तुम क्यों रो रही हो? मैं बगीचे में अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी, अचानक वहाँ कोरोना राक्षस आ गया और अपनी दो बहन खांसी और छींक और अपना भाई बुखार के साथ आ गया। उन्होंने मेरे दोस्तों और उनके मम्मी पापा को भी कोरोना राक्षस बना दिया। फिर क्या हुआ? मैं बड़ी मुश्किल से भाग कर घर आई, लेकिन मेरे दोस्तों का और उनके मम्मी पापा का क्या होगा? तुम चुप हो जाओ, रो मत। मोदी दादू को सब मालूम है। उन्होंने तुम्हारे लिए मैसेज भेजा है। मैसेज? कैसा मैसेज? जल्दी बताओ। उन्होंने कहा है जब तक मोदी दादू कोरोना वायरस को नहीं मार देते, तब तक तू अपनी दोनों बहनें, मम्मी और पापा और चाचू चाची और दादू दादी के साथ घर में ही रहो और घर को लॉक करके रखो। यानी लॉकडाउन? लेकिन मेरे दोस्तों का क्या होगा? क्या मोदी दादू ने भी बचा लेंगे? हाँ, विश्वास रखो। मोदी दादू के पास जाकर मोदी दादू को सारी बातें बतला देती हूँ और तुम लॉकडाउन का पालन करो। ओके बिट्टू परी, मैं तुम्हारे और मोदी दादू के जवाब का इंतजार करूँगी। बाय बाय। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें।